स्टार प्लस का एक ऐसा शो जिसने सबके दिलों पे राज किया, जिसके डायलॉग्स आज वायरल हो रहे हैं और जो दोबारा से स्टार प्लस पे भी शुरू हुआ है दोपहर के टाइम पे। हम बात कर रहे हैं साथ निभाना साथिया की, और हमारे साथ है यस आप सबकी फेवरेट कोकिला जी एंड मीनाक्षी जी। बस मम्मी, अगर आगे एक शब्द भी कहा तो कृष्ण भगवान की सौगंध छोड़ूंगी नहीं। गोपी वाओ। तो बेसिकली आप सबको बता दिया जाए कि जैसे कि आप जानती हैं टिकटॉक के आप सब भी दीवाने हैं, और टिकटॉक पे इन दिनों कोकिला मैम का जो डायलॉग है, ओ गॉड, सो मैनी डायलॉग्स ऑफ साथिया जो वायरल हो रहे हैं। सो आपको पता था कि आपके डायलॉग्स इस तरह वायरल हो रहे हैं? मैं माफ़ी चाहूँगी जिन्होंने इतनी खूबसूरती से टिकटॉक के वीडियोज़ बनाए। मुझे लगता है आप पहली हैं श्रुति जिन्होंने मुझे बताया, मैं जानती नहीं थी, पर मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं बहुत खुश हुई जब आपने मुझे ये दिखाया, मैंने अभी तक देखा नहीं था और बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक आइकॉनिक कैरेक्टर है कोकिला और दर्शकों ने इतना प्यार दिया है तो मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ वो एक करूं टिकटॉक। सो वी विल मेक विद रूपल मैम एज वेल। एंड रूपल मैम, एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि एक ही टाइम पे स्टार प्लस पे ऑब्वियसली ये रिश्ते हैं प्यार के तो आ ही रहा है, जिसमें एज ए मीनाक्षी आप नजर आ रही हैं, और उसी चैनल पे दोबारा से एज कोकिला भी आप नजर आ रही हैं। सो हमें दो अलग अलग शेड्स आपके रूपल जी दिख रहे हैं, सो क्या कहेंगे आप उसके लिए? यही स्टार प्लस का धन्यवाद करूंगी और ये जरूर दर्शकों से कहूंगी कि मीनाक्षी और कोकिला मोदी, ये सिक्के के दो पहलू हैं, दे आर ट्विन सिस्टर, दोनों का मकसद एक ही है, परिवार की एकता, परिवार के प्रति प्यार और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाना। तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन एक बहन है कोकिला बहन, वो कहती है कृष्ण भगवान की सौगंध बस, और मीनाक्षी राजवंश कहती है माँ अम्बे की सौगंध। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा सिमिलैरिटीज भी है और थोड़ी बहुत वे ऑफ परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। इनफैक्ट लुक की भी हम बात करें तो वी कैन डिफरेंशिएटेड, क्योंकि मैं लुक के लिए तो स्टार प्लस का धन्यवाद करूंगी, निशा मैम का, निशा बेदी जी का धन्यवाद करूंगी, और इस रिश्ते हैं प्यार के शो के लिए गरिमा मैम का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि लुक में ज़्यादा करके मेरा कोई ऐसा योगदान नहीं है, सो क्रेडिट गोज टू देम, थैंक यू। सो जैसे आपने लाउड एकदम कोकिला मैम का मेकअप देखा है, उतना ही सटल मीनाक्षी के कैरेक्टर में आपका रहा है। सो जैसा आपने कहा, यस वी विल मेक वन टिकटॉक ऑन दिस ऑल्सो बिकॉज एवरीवन इज मेकिंग, और आपके जो डायलॉग्स इतने ऑसम तरीके से, जो आपकी डिलीवरी थी जिससे सब आप कॉपी कर रहे हैं, कुछ कॉमेडी बना रहे हैं, कुछ फन बना रहे हैं, सो क्या हम भी एक डायलॉग बनाए? बिल्कुल, और एक बार फिर से उन सभी का धन्यवाद जो जिन्होंने मुझे टिकटॉक के इन वीडियोज़ में शामिल किया है, उनका धन्यवाद, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह प्यार मिलता रहे। वैसे मैं आप सबको, ऑडियंस को एक बात बताना चाहूँगी कि रूपल मैम जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं है, हम उनको बोल बोल के थक चुके हैं, पर वो मुझे बोलती हैं कि नहीं, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप ये सब मेरी, तो ऐसा क्यों मैम? मुझे लगता है कि हम ज़्यादातर समय बहुत लंबे 10-12 घंटे का समय सेट पर रहते हैं और बहुत सारे सीन्स करने होते हैं, डेली सोप से दर्शकों का मनोरंजन करना है, सोमवार से शुक्रवार शनिवार तक करना होता है, तो बहुत सारे सीन्स करने होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा ध्यान बिल्कुल सीन पर केंद्रित हो, स्क्रीन पर मैं पहले से पढ़ कर रखती हूँ तो थोड़े मेरे जहन में रहता है, मैं अपने खुद से रिहर्सल्स करती रहती हूँ, तो अगर मुझे लगता है कि बिना मतलब कि अगर मैं बाकी चीज़ों में उलझी रहूँगी तो मेरा जो मुख्य काम है वो नहीं कर पाऊँगी। कह सकते हैं कि आप ये मानती हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट करता है? मुझे लगता है कि डाइवर्जन की बात नहीं है, हर चीज़ के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, ये आपके इस्तेमाल पर है, अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, पर अगर आप अपने मुख्य काम को छोड़कर, अपने पूरे ध्यान को छोड़कर अगर बिना समय और बिना ज़रूरत के अगर उसका प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है वो उचित बात नहीं है। तो चलिए, वैसे तो मैम नहीं है सोशल मीडिया पे, लेकिन आज हमारे साथ इस वक्त वो टिकटॉक पहली बार बनाने वाली हैं और उन्हीं के डायलॉग पे, राइट जी? धन्यवाद श्रुति, आपका बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे वाकिफ करवाया और आपकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी का पहला टिकटॉक बनाऊंगी, माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गड़बड़ करूँ तो। चलिए ट्राई करते हैं कोकिला मैम का ही डायलॉग, क्या हम ट्राई करें? कृष्ण भगवान की सौगंध, हाँ Yes, you are ready. So, ये रहा हमारा टिकटॉक का डायलॉग। मोटा भाभी, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से पहले अपनी जिरबान में झांक कर देखिए। मोटा भाभी, चलिए चलिए, रेडी रेडी रेडी। सो
बेसिकली इसमें मैं म्यूजिक पे डांस भी करने वाली हूँ. आइए प्लीज. पहले वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगा. वो हम ऑडियंस को दिखा देंगे. ठीक है. ओके ओके थैंक यू. सो ये आपने देखा ऐसा रूप. आई एम श्योर रूपल मैम का आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जो आज आपको देखने को मिला सास बहू और बेटा में. और इसी तरह आपकी मुलाकात हम रूपल जी से करवाते रहेंगे जो आपकी कोकिला जी भी हैं और मीनाक्षी जी भी. थैंक यू श्रुति. थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल. थैंक यू. सो इसी तरह देखते रहिए सास बहू और बेटियां. कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं मुंबई आज तक.